Hello everyone, today we are going to study English pre-primer book. So open English pre-primer book. Come on, the first page of this book. Alphabet. आप सभी जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं ए टू जेड. इसको हम एक बार फिर से आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ए टू जेड 26 लेटर्स होते हैं. इसको हम एक बार रिवाइज करेंगे. लुक रीड एंड अंडरस्टैंड. देखो पढ़ो और समझो. द फर्स्ट लेटर इज ए. हियर इज एन कैपिटल लेटर ए एंड स्मॉल लेटर आल्सो ए. ए फॉर एयरप्लेन, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट एंड लास्ट वन इज ए फॉर एक्स. ए एप्पल, सेव, एरोप्लेन हवाई जहाज, एंट चीटी, एक्स कुल्हाड़ी. नेक्स्ट लेटर इज बी. यहाँ देखिए बी कैपिटल लेटर में है और बी स्मॉल लेटर में भी है. आपने पिछली क्लास में ही ये सब पढ़ लिया है. इसको सिर्फ और सिर्फ हम रिवीजन के लिए लेके चल रहे हैं. बी फॉर बॉल. बॉल मीन्स गेंद. बर्ड चिड़िया, बलून गुब्बारा, बैट बल्ला. बी फॉर बलून, बर्ड बैट बैलून. नेक्स्ट पेज. द नेक्स्ट लेटर इज सी. ये देखिए कैपिटल में भी सी है और नीचे स्मॉल लेटर में भी सी है. सी फॉर कैट. कैट मीन्स बिल्ली. सी फॉर कैप. कैप मीन्स टोपी. सी फॉर केक. केक मीन्स केक. आप सभी जानते हैं केक को. सी फॉर काउ. काउ मीन्स गाय. एक लेटर्स के कई अक्षर, कई वर्ड्स एक लेटर से बन सकते हैं. देखिए जैसे सी फॉर कैट, कैप, केक एंड काउ. ये चारों वर्ड्स दिए हुए हैं, चारों इमेज दिए हुए हैं. नीचे आते हैं. नेक्स्ट लेटर इज डी. डी यहाँ कैपिटल में भी है और नीचे स्मॉल में भी है. डी फॉर डॉग. डॉग मीन्स कुत्ता. डी फॉर डॉल. डॉल मीन्स गुड़िया. डी फॉर डक. डक मीन्स बतख. एंड लास्ट वन इज डी फॉर डॉल्फिन. डॉल्फिन एक मछली होती है. नेक्स्ट लेटर ई. ई कैपिटल लेटर, ई स्मॉल लेटर. ई फॉर एलिफेंट. एलिफेंट मीन्स हाथी. ई फॉर ईगल. ईगल मीन्स चील. ई फॉर एग. एग मीन्स अंडा. ई फॉर इरेजर. इरेजर मीन्स रबर, जो कि आप लोग पेंसिल से लिखने के बाद जब कुछ गलत हो जाता है तो मिटाने के काम आता है. नेक्स्ट लेटर F. Here is an F in capital letter and one is in small letter. Capital letter में भी F दिया हुआ है और small letter में भी F दिया हुआ है. F for fish. Fish means मछली. F for frog. Frog means मेढक. F for flag. Flag means झंडा. F for fox. Fox means लोमड़ी. नेक्स्ट लेटर इज जी. कैपिटल लेटर जी देख रहे हैं आप लोग, स्मॉल लेटर की भी जी आप लोग देख रहे हैं. तो जी फॉर गोट. गोट मीन्स बकरी. जी फॉर गन. गन मीन्स बंदूक. जी फॉर जिराफ. जिराफ मीन्स जिराफ. एंड जी फॉर ग्रेप्स. ग्रेप्स मीन्स अंगूर. नेक्स्ट लेटर इज एच. एच यहाँ कैपिटल लेटर में भी है और ठीक उसके नीचे स्मॉल लेटर में भी है. एच फॉर हॉर्स. हॉर्स मीन्स घोड़ा. एच फॉर हाउस. हाउस मीन्स घर. एच फॉर हैट. हैट मीन्स टोपी. एच फॉर हैन. हैन मीन्स मुर्गी. नेक्स्ट लेटर आई. कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर देख रहे हैं आप लोग, दोनों में दिया हुआ है कैपिटल एंड स्मॉल. आई फॉर आइसक्रीम. आप लोग सभी लोग खाते हैं, गर्मियों में सब लोग यूज़ करते हैं. आई फॉर आइस. ये देखिए क्यूब्स हैं आइस की, जो कि हम लोग के यहाँ फ्रिज में जमाई जाती है आइस क्यूब्स. आई फॉर आयरन. आयरन इस्त्री, प्रेस जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में.
आई फॉर इग्लू, इग्लू होता है बर्फ का घर बना होता है जो बर्फीले इलाकों में होते हैं। नेक्स्ट लेटर जे, जे फॉर जोकर, यहाँ जोकर यहाँ पे देखिए जे जो है वो कैपिटल लेटर में भी है और स्मॉल लेटर में भी है। जे फॉर जोकर, जोकर का क्या काम है, सबको हंसाना। जे फॉर जैम, सभी लोग ब्रेड पे जैम, रोटी में जैम, पराठे में जैम लगा के खाना पसंद करते हैं सभी लोग। जे फॉर जग, जग मीन्स जग। जे फॉर जेली, सभी बच्चे खाना पसंद करते हैं जेली। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट लेटर इज के, कैपिटल लेटर में भी है यहाँ पे देखिए, ठीक उसके नीचे स्मॉल लेटर में है के। के फॉर किंग, किंग मीन्स होता है राजा। के फॉर काइट, काइट मीन्स पतंग। के फॉर की मीन्स चाबी। एंड के फॉर यहाँ नीचे देखिए नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू। नेक्स्ट लेटर एल, एल यहाँ कैपिटल लेटर और ठीक इसके नीचे स्मॉल लेटर में है। एल फॉर लायन, लायन मीन्स शेर। एल फॉर लीफ, लीफ मीन्स पत्ती। एल फॉर लैडर, लैडर मीन्स सीढ़ी। एल फॉर लैम्प, लैम्प सभी लोग जानते हैं बत्ती। नेक्स्ट लेटर है एम, यहाँ देखिए कैपिटल लेटर में भी है और स्मॉल लेटर में भी है, दोनों को आप लोग रिवाइज करते चलेंगे दोनों लेटर्स को। एम फॉर मंकी, मंकी मीन्स बंदर। एम फॉर मैंगो, मैंगो मीन्स आम, सभी लोग खाओ खाना पसंद है मैं आम। एम फॉर मून, मून मीन्स चांद, जिसको हम बच्चे छोटे आप लोग क्या बुलाते हैं, चंदा मामा। एम फॉर माउस, माउस देखिए यहाँ पे छोटा सा माउस है, माउस मीन्स चूहा। नेक्स्ट लेटर है एन, जो कि कैपिटल एंड स्मॉल दोनों में दिया हुआ है। एन फॉर नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला, घोंसला किसका होता है, चिड़िया का होता है, सभी जानते हो। यहाँ देखिए नेट, एन फॉर नेट, नेट मीन्स जाली, जो कि किसी चीज़ को पकड़ने के या फिर तोड़ के उसमें डालने के काम आती है। एन फॉर नर्स, नर्स का क्या काम होता है, सबकी सेवा करना, जो पेशेंट्स होते हैं उनकी सेवा करना, देखभाल करना, ये हॉस्पिटल्स में होती हैं। एन फॉर न्यूज़पेपर, सभी के घर पे आता है अखबार, न्यूज़पेपर को बोलते हैं अखबार। नेक्स्ट लेटर ओ, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर दोनों लेटर्स में कैपिटल लेटर ऊपर दिए हुए हैं हर वर्ड्स के, हर लेटर के, और नीचे स्मॉल लेटर दिए हुए हैं। ओ फॉर आउल, आउल मीन्स उल्लू। एंड ओ फॉर ओनियन, ओनियन प्याज। ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरा। और ओ फॉर ऑक्टोपस, ऑक्टोपस एक ऐसा जानवर होता है जो कि पानी में रहता है और ये बाहर भी रहता है, ले इसके जो पैर होते हैं वो 8 होते हैं, लेकिन ये अधिक करके पानी के अंदर ही सर्वाइव करता है, बाहर सर्वाइव नहीं कर पाता है। पी फॉर पैरट, पैरट मीन्स तोता। पी फॉर पोटैटो, सभी बच्चों का फेवरेट होता है आलू, पोटैटो। पी फॉर पिज़्ज़ा, सभी को खाने में अच्छा लगता है। एंड पी फॉर पेंसिल, जिससे आप लोग अपना वर्क कंप्लीट करते हैं, पी फॉर पेंसिल। नेक्स्ट लेटर क्यू, कैपिटल लेटर ठीक उसके नीचे स्मॉल लेटर में है। क्वीन मीन्स रानी, क्विल मीन्स पंख, क्वेल मीन्स ये देखिए एक चिड़िया है जिसको बोलते हैं बटेर। क्यू फॉर क्वेल्ट, ये होता है रजाई, तो क्यू फॉर चार लेटर हो गए, क्वीन क्विल क्वेल एंड क्वेल्ट। आर, यहाँ कैपिटल लेटर में भी है और स्मॉल लेटर में भी है। आर मीन्स, आर फॉर रैबिट, खरगोश। आर फॉर रिंग, अंगूठी जो मम्मी लोग पहनती हैं। आर फॉर रॉकेट, सभी लोग जानते हो। आर फॉर रोज, गुलाब का फूल। नेक्स्ट लेटर है एस, ऊपर कैपिटल लेटर है, नीचे स्मॉल लेटर है एस का। एस फॉर शिप, शिप मीन्स भेड़। एस फॉर सन, सन कब निकलता है, दिन में निकलता है। एस फॉर स्पाइडर, स्पाइडर के कितने पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं, 8 लेग्स होते हैं। एस फॉर शिप, शिप मीन्स जहाज। टी, नेक्स्ट लेटर है टी, यहाँ कैपिटल लेटर है, ठीक उसके नीचे स्मॉल लेटर है। टी फॉर टाइगर, टी फॉर टाइगर, टाइगर मीन्स बाघ। टी फॉर टब, टी फॉर टर्टल,
एंड टी फॉर टमेटो, टर्टल आप लोग कछुआ जानते ही हैं, टी फॉर टमेटो, टमेटो मीन्स टमाटर। यह है नेक्स्ट लेटर है यू, कैपिटल लेटर ऊपर है ठीक उसके नीचे स्मॉल लेटर में दिया हुआ है। यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अम्ब्रेला मीन्स छाता, ये हमें धूप से भी बचाती है, बारिश से भी बचाती है। यू फॉर यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न एक ऐसा घोड़ा होता है जिसके पंख होते हैं जो हवा में उड़ता है और जिसके सिर पे एक सींग होता है, और सिर्फ और सिर्फ ये कहानियों में ही होता है, ये हकीकत में नहीं होता है। यू फॉर यूटेंसिल, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, जो हमारे घर के जो भी बर्तन है जैसे कटोरी गिलास चम्मच थाली कुछ भी, उसको हम यूटेंसिल्स जब एक साथ होंगे तो उसको बोलेंगे यूटेंसिल्स। यू फॉर अम्पायर, क्रिकेट सभी लोग देखते हो, अम्पायर का क्या काम है आप लोग जानते हो। वी, नेक्स्ट लेटर है वी, ऊपर कैपिटल लेटर है ठीक उसके नीचे स्मॉल लेटर है। वी फॉर वैन, वैन मीन्स गाड़ी, आगे वी फॉर वैलियन, सीता आप लोग देख रहे हैं गिटार, उसके बाद वी फॉर वैस, वैस आप लोग जानते हैं जिसमें फ्लावर्स रखते हैं उसको हम लोग फ्लावर पॉट भी बोलते हैं, फूलदान बोलते हैं। वी फॉर वेजिटेबल्स, सब्जियाँ। नेक्स्ट लेटर है डब्ल्यू, ऊपर कैपिटल लेटर नीचे स्मॉल लेटर। डब्ल्यू फॉर वेल, वेल मीन्स कुआं। डब्ल्यू फॉर वॉलनट, वॉलनट मीन्स क्या होता है अखरोट होता है। डब्ल्यू फॉर वाटरमेलन, वाटरमेलन आप लोग खूब गर्मियों के दिनों में तरबूज खाते हो। डब्ल्यू फॉर वेल, ये भी एक मछली होती है जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्ज सबसे बिगेस्ट एनिमल होती है। नेक्स्ट लेटर है एक्स, यहाँ ऊपर कैपिटल लेटर नीचे स्मॉल लेटर में है। एक्स फॉर एक्समस, एक्समस ट्री जो कि हम लोग क्रिसमस डे के दिन इसको डेकोरेट करते हैं। एक्स फॉर ज़ाइलोफोन, ये एक तरह का वाद्य यंत्र होता है। नेक्स्ट है एक्स फॉर एक्सरे, आप लोग जानते हैं एक्सरे निकलवाया जाता है कोई भी मेडिकल पर्पस से, जब किसी को चोट लग जाती है कोई प्रॉब्लम होती है तो मेडिकल से इसको हम लोग इसको एक्सरे को निकलवाया जाता है। एक्स फॉर जीरक्स, ये देखिए गिलहरी होती है लेकिन ये गिलहरी से थोड़ी हटके होती है। नेक्स्ट है वाई, वाई फॉर याक, ये आपको पहाड़ी ये पहाड़ों में पाया जाता है जो याक होता है। यार्न, आप लोग जानते हैं ऊन जो होता है उसको यार्न बोलते हैं। वाई फॉर यो-यो, जो ये एक तरह का गेम होता है जो कि रस्सी से बंधा होता है उसको बच्चे खींच के खेलते हैं। और वाई फॉर याच, याच जो होता है वो छोटी नाव होती है। लास्ट लेटर है जेड, कैपिटल लेटर में भी है ठीक उसके नीचे स्मॉल लेटर में भी है। जेड फॉर जेब्रा, ये देखिए जेब्रे का जहाँ पिक्चर दिया हुआ है ठीक उसके ऊपर देखिए। जेड फॉर जू, चिड़ियाघर, जहाँ आप जाने के बाद हर तरह के जानवरों से आप जू में मिल सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं नज़दीक से देख सकते हैं। जेड फॉर जीप, जीप मीन्स होती है चैन, चैन जो हमारे बच्चों के पैंट में होती है या फिर कमीज में होती है। एंड जेड फॉर जिग जैग भी होता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा। इस तरह से बेटा आपका ए टू जेड का जो चैप्टर था ये फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट होता है, ये रिवीजन का केवल वर्क था। और आज का जो आपका होमवर्क होगा देख लीजिए, फन एंड लर्न, कंप्लीट द वर्ड्स विद सुटेबल लेटर्स। देखिए कह रहा है यहाँ पे जो वर्ड्स हैं इनको आपको सुटेबल यानी कि उचित अक्षरों से भरना है, उचित लेटर्स से भरना है जो इसके लिए सही हो। जो फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट पिक्चर है आप देख रहे हैं ये किसका है, एक बॉय का है, बॉय का है। इस तो स्पेलिंग नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे बस दिया हुआ था यहाँ पे ओ एंड वाई, लेकिन ओ वाई से बॉय नहीं होता है। तो फर्स्ट लेटर क्या होगा इसका, बी फॉर बॉय, तो बी हम इसको फर्स्ट लेटर यहाँ पे फिल कर देंगे। नेक्स्ट है एक डक की पिक्चर है, यहाँ दिया हुआ है यू सी के, इसको हम क्या करेंगे डी को आगे फिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी यू सी के, डक, डक मीन्स बतख। नेक्स्ट पिक्चर है फिश की, वेरी गुड, तो फिश का हम क्या करेंगे, आई एस एच इसमें लिखा है, ये क्या होता है इसका स्टार्टिंग वर्ड एफ फॉर फिश, तो हम आगे क्या करेंगे एफ इसके लिख देंगे, तो एफ आई एस एच ये पूरा हो जाता है फिश, फिश मीन्स मछली। यहाँ देखिए ये क्यूब है, कौन सा क्यूब है, आइस क्यूब है, तो यहाँ स्पेलिंग इसकी क्या दी हुई है सी ई, होना क्या चाहिए था आई सी ई, आइस क्यूब। अब इसको हम क्या करेंगे
ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पे आते हैं लायन। ये लायन है जो बैठा हुआ है, लेकिन स्पेलिंग इसकी मिस्टेक लग रही है। ये दिया हुआ है आई ओ एन, और होना क्या चाहिए, एल फॉर लायन, तो एल होना चाहिए, एल आई ओ एन, लायन। लायन मीन्स शेर। नेक्स्ट है ओनियन, एन आई ओ एन, स्पेलिंग मिस्टेक है, एन मिस्टेक नहीं है, मिस है, जो फर्स्ट लेटर है वो मिस है। तो हम फर्स्ट लेटर क्या डालेंगे, ओ फॉर ओनियन होता है, तो ओ एन आई ओ एन, ओनियन। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट एक्टिविटी है, राइट द कैपिटल एंड स्मॉल लेटर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जो पिक्चर्स दिए हुए हैं बेटा, उसको देखते हुए हमें इनके जो एक लेटर दिए हुए हैं, हमको जो पिक्चर दिए हैं उनके दोनों लेटर लिखने हैं, कैपिटल लेटर भी और स्मॉल लेटर भी। ये किस चीज़ का पिक्चर है, बल्ला है। बल्ला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैट बोलते हैं। तो बी है जो है, देखिए जैसे मैंने यहाँ फिल कर दिया है, आपको ठीक ऐसे ही अपने बुक में भी करना है और अपने कॉपीज़ में भी करना है। अपने मम्मी पापा या भाई बहन जो भी घर पे हैं आपसे जो बड़े हैं, उनके हेल्प से आप लोग इमेजेस को तैयार कीजिए अपने कॉपीज़ पे। तैयार करने के बाद ठीक इसी तरह से जो जैसे मैंने इन बॉक्सेस में भरे हुए हैं, वैसे आप भी भरेंगे। बी का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल में, जो सेकेंड होगा वो स्मॉल में होगा। ये देखिए ये डियर है, डियर मीन्स हिरन होता है, कैपिटल लेटर में डालें फिर उसके बाद स्मॉल लेटर। ये क्या है, लड़की है, लड़की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गर्ल बोलते हैं। कैपिटल लेटर हो गया और फिर स्मॉल लेटर भी हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये है जोकर की पिक्चर है, पहले कैपिटल लेटर डाल दिए फिर स्मॉल लेटर डाल दिए। नेक्स्ट आम है, आम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंगो बोलते हैं। तो ये हो गया आपका, स्टार्टिंग लेटर एम होता है इसका, पहले कैपिटल लेटर लिख दिए फिर स्मॉल लेटर भी लिख दिए। नेक्स्ट है वास, जो फ्लावर पार्ट होता है हमारा, फुलदान होता है, तो उसका पहले हम कैपिटल लेटर लिख दिए फिर स्मॉल लेटर भी लिख दिए। आप लोग इन इमेजेस को तैयार करेंगे अपने गार्जियंस के हेल्प से और इसको आप अपने कॉपीज पे कंप्लीट कर लेंगे। ए टू जेड, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों आप एक एक पेज अपने कॉपीज पे राइट करेंगे। थैंक्स।